आपकी अपनी पार्टी पीपल्स देश में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर लगातार अपने अभियान में जुटी हुई है। फिलहाल पार्टी की छात्र विंग आपका अपना छात्र संघ द्वारा इन दिनों दिल्ली के सभी कॉलेजों के बाहर जाकर छात्रों से संवाद अभियान लगातार जारी है। बुधवार को दिल्ली के रोहिणी में स्थित दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च के बाहर छात्रों से छात्र संघ द्वारा राय शुमारी की गई। क्या देश में जाति उन्मूलन कानून आना चाहिए या नहीं, जाति व्यवस्था के बारे में छात्र क्या सोचते और समझते हैं, इसे लेकर कॉलेज छात्रों से छात्र संघ द्वारा राय शुमारी की जा रही है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना मौके पर जाकर छात्र संघ के अभियान को कवर कर वहां मौजूद छात्रों से बात कर रहा है और छात्रों से बात कर उनकी राय ली जा रही है। क्या आपका अपना छात्र संघ द्वारा जारी जाति उन्मूलन कानून की मांग पर छात्र सहमत है या नहीं है, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने छात्रों से जब बात की, तो आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में छात्रों की क्या राय थी। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ इन दिनों जो दिल्ली के कॉलेजों के बाहर जाकर जो है छात्रों से संवाद करना जारी है, और आज हम यहां पर रोहिणी पे आए हुए हैं और इनको कवर भी हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि मौके पे जाकर हम देख रहे हैं कि छात्र जो है कि क्या कह रहे हैं और इनके अभियान को लेकर कितना वो सहमत है, कितना नहीं सहमत है। दरअसल इनका मुद्दा जो है कि जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर और जात पात जो है कि समाप्ति को लेकर ये अभियान चलाए हुए हैं, और हम भी जो है ना कि अभियान के लेकर जो छात्रों के विचार ले रहे हैं। और आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं DSPSR कॉलेज रोहिणी के बाहर, और यहाँ पर हमने जो है कि छात्रों से बात करी है और उन्होंने भी कहा है कि हाँ, जात पात जो है कि समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि जनरल या कई इस तरह अपने अपने जैसे सबने जो है कि विचार रखे हैं, तो उनका कहना है कि समाप्त हो जाएगी तो सबको जो है कि लाभ मिलेगा। मैंने जो है कि उनसे बात करी, उनके उनके विचार जाने, तो देखिए उन्होंने जो है कि अपने विचारों में क्या कहा। पूछो। आपका नाम क्या है? वेदिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संघ जो संवाद कर रहा छात्रों से, कह रहा है भी जातपात समाप्त कर देनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप जातपात के बारे में? मैं तो यही सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद जनरल हूँ और जनरल वालों को बिल्कुल सीट्स नहीं मिलती, कहीं पे भी चले जाओ सारी सीटें OBC ST SC वालों को मिलती है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़। सबको अपना अपना हिस्से का सब मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, बट उनको ज़्यादातर ज़्यादा वो मिलती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और हमें नहीं मिलती। तो आपके हिसाब से ज़्यादा समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार सिंह। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आपका अपना छात्र संघ मांग कर रहा है भी कास्ट समाप्त हो जाना है, क्या सोचते हैं जात पात को लेकर आप? सब बेकार होना चाहिए वैसे किसी किसी जगह पे, बट किसी जगह पे ये नहीं भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो जात पात क्या समाप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो ऐसा क्यों लगता है समाप्त होना चाहिए? SC ST वाले सारी सीट ये ले जाते हैं ना। हाँ हाँ, तो फिर वही सिस्टम हो जाता है। अच्छा, तो मतलब समाप्त हो जाएगा आपके साथ, सब इक्वल हो जाएगी? हाँ, सब इक्वल हो जाएगा। कोई भी नाम क्या है? मेरा नाम गुनगुन पाठक है और मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ। और जैसे SC ST को भी आपने बोला, SC ST हो गया, OBC हो गया, इनको जैसे रिजर्वेशन मिलता है, तो जनरल को भी ये दी गई है कि जैसे जनरल में जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी जैसे EWS है, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि EWS से वो भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कास्ट को दी गई है वो रिजर्वेशन कि वो उससे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपके हिसाब से कास्ट समाप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, सेकुलरिज्म सबसे बेस्ट है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एबिलिटी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि SC ST को ज़्यादा जैसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि SC ST में, तो फिर हर इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो हाई रिच हो, गरीब हो, उसमें फिर ये सब नहीं देखते। पर जनरल वालों को इस चीज़ का ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जनरल वालों के सामने एक तरीके से वो एक उन्होंने कंडीशन रख दी कि जो पुअर बैकग्राउंड से होगा वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो पुअर बैकग्राउंड से हैं पर उनका EWS नहीं बन पाता है, वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत फेस करते हैं, उन्हें पढ़ाई से लेके बहुत सारी चीज़ों में बहुत फेस करना पड़ता है इन सब चीज़ों का। कास्ट मतलब जो है कि रहना चाहिए आपके साथ? नहीं, मैं नहीं मानती इन सब में, सब बराबर ही।